आमतौर पर सब्जियां 50 से 100 रुपए किलो तक मिल जाती हैं। इसी में अगर सब्जियां महंगी हो जाएं तो सबके होश उड़ जाते हैं। इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी भी सब्जी है जो हजारों रुपए किलो मिलती है तो क्या होगा? जिस सब्जी की मैं बात कर रहा हूं वो कोई विदेशी सब्जी नहीं है, ये सब्जी भारत में भी उगती है और बेची भी जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही सब्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे खरीदने के बारे में आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन होगा छोटा सा उसे भी दबा देना ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी और अपडेट्स आप तक भी पहुँच सके और आप भी अपने क्लास में सबसे स्मार्ट बन पाओ। इस सब्जी का नाम है गुच्छी, जो हिमालय के पहाड़ों में मिलने वाली एक मशरूम की प्रजाति है। ये मशरूम की एक जंगली प्रजाति है जिसका प्राइस 25 से 30,000 रुपये है। फिर इस सब्जी में ऐसा क्या है जो इसका दाम हजारों रुपये किलो है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। इस सब्जी को विदेशों में भी बहुत पसंद से खाया जाता है जिसके वजह से इसकी विदेशों में भी बहुत डिमांड है। लोग इस सब्जी को खाने के बारे में कहते हैं कि अगर गुच्छी की सब्जी खानी है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। गुच्छी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो इसे दिल की बीमारी को दूर करने में सहायक बनाते हैं। ये सब्जी हिमालय के पहाड़ों में फरवरी से लेकर अप्रैल तक बिकती है। गुच्छी में बहुत से पोषण और मल्टीविटामिन पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। गुच्छी सब्जी की अधिक डिमांड की वजह से इसे बड़े बड़े होटल आसानी से और हाथों हाथ खरीद लेते हैं। इस सब्जी की अमेरिका, इटली, स्विट्जरलैंड, यूरोप जैसे देशों में बहुत डिमांड है। इस सब्जी का दाम इतना अधिक इसलिए है क्योंकि इसे इकट्ठा करने के लिए किसान अपने जान की बाजी लगाकर हिमालय के पहाड़ों पर जाते हैं। इसे इकट्ठा करने के बाद इसे सुखाकर इसे उपयोग में लाया जाता है। पाकिस्तान में भी इसे उगाया जाता है। पाकिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ों पर भी ये सब्जी मिल जाती है। फिर इसे वो लोग विदेशों में बेच देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।